मैं ब्रेकफास्ट करने जा रही थी तो मैंने सोचा कि लेट्स डिस्कस ऑन दिस टॉपिक. काफ़ी लोग पूछते रहते हैं मुझसे कमेंट्स में कि आइडियली ब्रेकफास्ट क्या होना चाहिए या कैसा होना चाहिए. नमस्ते फ्रेंड्स, मैं लता सबरवाल हूँ एंड वेलकम बैक टू माय ब्लॉग्स. और मेरे चैनल पे आपको जो कुछ भी मिलेगा वो होगा एब्सोल्युटली ऑनेस्ट. लेकिन उसके पहले मैं हमारे खाऊ दोस्त यानी कि मेरे पतिदेव से पूछती हूँ उन्होंने आज नाश्ते में क्या खाया है. क्योंकि यूजुअली क्या होता है फ्रेंड्स, हमारे यहाँ सब अपनी चॉइस का नाश्ता खाते हैं, अलग अलग खाते हैं. एंड आज तो संडे है तो स्पेशली अलग ही होता है सबका. ये खाया मैंने इडली. क्या खाया आपने? खट्टे इडली. हाय, देखो मुंह में पानी आ गया देख के. ये होते हैं खाऊ दोस्त वाले काम. देखो असली कितना सुंदर लग रहा है, इतनी स्वादिष्ट लग रही है. पूड़ी, पूड़ी, पूड़ी. अब मुझे भी लेके जाना खिलाने के लिए, मैं नहीं जानती, मेरे मुंह पानी आ गया है. साउथ टिफिन हाउस. ओके, तो आज आपने खट्टे इडली खाई. सुबह एक्चुअली आरव को क्रिकेट लेके गए थे, मुझे लगता है इसीलिए कहते हैं मैं क्रिकेट लेके जाऊंगा, वहां तरह तरह के नाश्ते करने का फायदा मिल जाता है ना, इसलिए मुझे भी लेके चलना पक्का. मम्मी आज आपने नाश्ते में क्या खाया है? मैंने खाया ओट्स का चिल्ला. परफेक्टली हेल्दी. मेरी बहू हेल्दी खाती है तो मुझे भी हेल्दी हेल्दी खाना आ गया. मैं आज नाश्ते में खाने जा रही हूँ पोहा. इसमें वैसे तो काफ़ी कुछ डाल सकते हैं, गाजर, बीन्स वगैरह काफ़ी कुछ डाल सकते हैं, लेकिन आज मैंने कांदा पोहा जो कि महाराष्ट्र में बहुत फेमस है वही बनवाया है. एंड साथ में हरी चटनी ली है जो कि आपको जब तक मैं सबके नाश्ते दिखा रही थी ना फैल गई है थोड़ी सी. एंड साथ में लिया है थोड़ा सा दही. सो लेट मी हैव अ बाइट एंड देन वी टॉक. तो फ्रेंड्स, आप लोग बचपन से शायद एक लाइन सुनते आ रहे होंगे, ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग, मतलब हमें राजा की तरह खाना खाना चाहिए, नाश्ता करना चाहिए. तो बहुत से लोग इस चीज़ का गलत मतलब भी निकाल लेते हैं. राजा की तरह नाश्ता करने का ये मतलब नहीं है कि बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए या बहुत हैवी ब्रेकफास्ट होना चाहिए. राजा की तरह नाश्ता करने का असली मतलब ये है कि हमें वो चीज़ें सुबह खानी चाहिए जो हमें ताकत दें और बहुत सारी एनर्जी दें ताकि हम अपने दिन की फटाफट शुरुआत कर सकें. सो वॉट हैपन्स इज दैट बहुत बार हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं दूध पी के, जो कि सबसे गलत है. क्या होता है कि हम बच्चों को भी उठते ही ना अक्सर दूध पिला के स्कूल भेज देते हैं. दूध की एनर्जी हमें बहुत घंटे बाद मिलती है, दैट इज अराउंड 6-7 आवर्स और समटाइम्स 8-9 आवर्स के बाद मिलती है. जब तक उसकी एनर्जी हमें मिलती है हजम होके, दूध बहुत टाइम लेता है हजम होने में, तब तक हो जाता है हमारा लंच टाइम. तो चीज़ें ऐसी खानी चाहिए जो हमें इंस्टेंट एनर्जी दें और सुबह के टाइम हमें आलस बिल्कुल नहीं आए. जैसे कि फ्रूट्स इंक्लूड करने चाहिए, ड्राई फ्रूट्स और नट्स ज़रूर इंक्लूड करने चाहिए. अक्सर डिफरेंस ये है कि कई बार हम लोग जो हैं हमारे जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं और नट्स होते हैं उसमें फ़र्क नहीं करते हैं. बादाम नट्स होते हैं ऐसे भी हम ड्राई फ्रूट में इंक्लूड करते हैं, लेकिन मेरा मतलब है जैसे खजूर खाइए आप और बादाम खाइए, अगर काजू खाना चाहते हैं वो खाइए, पिस्ता खाइए, जो भी चीज़ें ऐसी हैं. या फिर अगर आपको लगता है ये एक्सपेंसिव फूड्स हैं तो कोई टेंशन की बात नहीं है, हमारे यहाँ सिंपल फूड्स भी बहुत अवेलेबल हैं जो आपको इक्वल न्यूट्रिशनल वैल्यू देते हैं. जैसे कि फ्लैक्स सीड्स इंक्लूड कीजिए फॉर ओमेगा 3, चिया सीड्स इंक्लूड कीजिए, सनफ्लावर सीड्स इंक्लूड कीजिए, तिल हमारे सफ़ेद जो आराम से मिल जाते हैं वो इंक्लूड कीजिए. तो इस तरह की चीज़ें जो है हमें अक्सर नाश्ते में इंक्लूड करनी चाहिए हमारे मेन नाश्ते के साथ. तो दूध की जगह जो सबसे अच्छा रिप्लेसमेंट है वो ये है दही. दही बहुत अच्छा है, आप अगर छाछ चाहे पी सकते हैं, लस्सी पी सकते हैं, दही खा सकते हैं. ठंडी जगह पे रहते हैं तो शायद थोड़ा मुश्किल हो जाए, अदरवाइज दही इज़ अ गुड रिप्लेसमेंट ऑफ मिल्क. और हम अब सीड्स वगैरह ड्राई फ्रूट खाएंगे उससे पेट तो भरता नहीं है, सुबह के टाइम जोर की भूख लगी हुई है तो हम क्या खाएंगे उसकी जगह पे. तो हमारा जो ट्रेडिशनल नाश्ता है दैट इज़ परफेक्ट. अगर हम पराठा खा रहे हैं तो उसके साथ थोड़ा दही ले लें, बहुत अच्छा है. अचार भी ले सकते हैं क्योंकि उसमें भी जो है प्रोबायोटिक क्वालिटीज़ होती है, बहुत अच्छा है, सिंपल है, इजीली अवेलेबल हो जाता है. कोशिश करें कि किसी वेजिटेबल का पराठा हो तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा. जैसे ये पोहा हो गया, अगर इसमें हम खूब वेजीज ऐड कर दें, पीनट्स ऐड कर दें तो सोर्स ऑफ प्रोटीन भी मिल जाएगा. आज डाली नहीं हमारी कुक जी ने पता नहीं क्यों. तो वो हमें जो है एक हेल्दी ओवरऑल ब्रेकफास्ट मिल जाएगा. कोशिश करें कि नाश्ते में भी थोड़ा सा प्रोटीन ज़रूर ऐड करें, चाहे वो पनीर के फॉर्म में, चाहे दही के फॉर्म में, चाहे पीनट्स के फॉर्म में या फिर नट्स के फॉर्म में. तो अगर बात करेंगे पूड़ी वगैरह की तो मैं कहूँगी पूड़ी वगैरह अच्छी है,
पर डेली बेसिस पे सुबह नहीं खानी चाहिए। मतलब हफ्ते में हमें दो तरीके के नाश्ते करने चाहिए। वीकडेज में जो है वो ऐसा कुछ एनर्जेटिक नाश्ता, जैसे उपमा हो गया, पोहा हो गया, पराठा हो गया, इवन सैंडविच हो गया, ये सब चीज़ें खा लेनी चाहिए। और जो हैवी आइटम्स है, जैसे पूड़ी हो गए, छोले भटूरे हो गए, या बॉम्बे में चलता है पाव भाजी वगैरह, कुछ ऐसे आइटम्स है वो वीकेंड्स के लिए सेव करने चाहिए। बड़ा पाव पीछे से संजीव जी बोल रहे हैं, इन्हें बहुत पसंद है, एक्चुअली कल ही हमने खाए थे, मुझे भी बहुत पसंद है। सीरियल्स अनदर बहुत ही अच्छा सोर्स है, जो कि कॉर्नफ्लेक्स वगैरह खाते हैं, म्यूजली खाते हैं, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं, लेकिन अगर हम मिल्क में डाल देते हैं उन्हें, तो फिर से हमें एनर्जी जो है वो काफ़ी आवर्स के बाद मिलती है। तो या तो आप आमंड मिल्क वगैरह में डाल के लीजिए, या फिर मैं बोलूँगी कि कर्ड में भी ले सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा जैगरी पाउडर डाल दीजिए, हनी डाल दीजिए उसके ऊपर, तो वो अच्छा है। आइडियली अब बताने जा रही हूँ दिन की शुरुआत क्या खा के करनी चाहिए, और उसके बाद आप अपना मेन नाश्ता कर लीजिए। आइडियली फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, नट्स और हनी, इसका एक मिक्स अगर आप छोटी सी कटोरी भी खा लेना और दिन की शुरुआत करें, तो हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। इनफैक्ट अगर बच्चे पसंद करें, तो बच्चे मूडी होते हैं, तो उन्हें ये खिला के अगर आप स्कूल भेजेंगे तो बहुत एनर्जेटिक फील करेंगे वो, एंड उसके साथ चाहे तो कुछ नमकीन चीज़ थोड़ी बहुत खिला सकते हैं। क्या चीज़ ऐसी है जो हमें अवॉइड करनी है बिल्कुल बिल्कुल हमेशा अपने नाश्ते के साथ, जो कि हम इंडियंस को बहुत आदत है और बड़ी मुश्किल से अवॉइड हो सकती है साथ में, दैट इज़ चाय या कॉफ़ी। चाय कॉफ़ी का कप साथ में रखा होना चाहिए, ऐसा हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है कि एक बाइट खाई और चाय पी। क्या होता है जब हम नाश्ते के साथ चाय या कॉफ़ी पी लेते हैं, तो जो भी उसमें से हमें विटामिन्स, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स मिलने वाले होते हैं, सब माइनस हो जाते हैं। आप सोचिए, आप इतनी हेल्दी चीज़ें खा रहे हैं और उसके बाद ये सारा माइनस हो गया, अब इसके बिना काम भी नहीं चल सकता। तो यूजुअली मैं क्या करती हूँ, मैं जो है उसके 20-1 मिनट पहले चाय कॉफ़ी पी लेती हूँ, और नाश्ते की अगर बाद इच्छा तो होती है तो फिर 20 मिनट या आधे घंटे के बाद पी सकते हैं आराम से। ये हैबिट थोड़ी मुश्किल है चेंज करनी, आप चेंज करके देखिए। चाय या कॉफ़ी को एक सेपरेट मील की तरह लीजिए, साथ में चाहिए तो डाइजेस्टिव बिस्किट वगैरह जो भी लेना चाहिए ले सकते हैं, लेकिन एक सेपरेट मील की तरह लीजिए, खाने के साथ उसे मिक्स मत कीजिए। आई होप आपको आज का ये मेरा छोटा सा मिनी ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और आप क्या जानकारी पाना चाहते हैं और खाने पीने के बारे में तो मुझे आप लिखिएगा, या कोई न्यूट्रिशन टिप्स चाहते हैं तो ज़रूर लिखिएगा, एंड अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए, बेल आइकन जरूर ऑन कीजिए, एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जो कि हमारी फैमिली अब 1.1 मिलियन हो चुकी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।